तर्जुमान आपकी पहचान। जमीनी इंतखाब को लेकर बीजेडी में भरपूर जोश नजर आ रही है, जहां ओडिशा के वजरा और स्टार कलाकार टीवी एंकर लोगों तक पहुंच पहुंच कर बीजेडी की तस्वीर कर रहे हैं। ठीक इसी तरह आज 29 अक्टूबर शाम के 5 बजे बालासोर के जमनी इंतखाब को मद्देनजर रखते हुए खुद ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक पहुँच कर बीजेडी को ही वोट डालने की अपील की है और कहा कि बीजेडी ने हमेशा से ही बालासोर के तरक्की के लिए काम किया है और आगे भी करता रहेगा, इसलिए गुजारिश है कि बीजेडी को ही वोट करें। वजीर आला के इस बयान को सुनने के लिए कोरोना से बेखौफ होकर हजारों की तादाद में मर्द और ख्वातीन ने शिरकत की। वजीर आला नवीन पटनायक ने मजीद कहा कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए मैं बालासोर नहीं आया, क्योंकि बालासोर आने से आप लोग बहुत ज्यादा तादाद में शिरकत करते हैं, मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी हो, कोरोना से कोई दिक्कत हो, मैं ये नहीं चाहता, इसलिए वादा करता हूँ कि इलेक्शन के बाद बहुत जल्द आप सबों के दरमियान पहुँचूँगा और रूबरू आपसे हम कलाम करूँगा। वज़ीर आला नवीन पटनायक ने कहा कि बालासोर के हर बासी मेरे लिए बहुत ही ख़ास हैं, इसलिए आप सब भी बीजेडी के उम्मीदवार सौरभ दास को वोट कर बीजेडी को मजबूत बनाएं। मुझाने मुँह प्रति अपन मान करो बहुत सुन लो और बोलो बाय बाय रोहित आगे चढ़ी बालासोर जय जय शांति तेरे अपन माने बहु संख्या रे आ सिद्धांत मुँह पाए जड़े भी कहीं विपद रे पड़ू यहाँ मुकेबले चाहूँ नाई सेठी पाए मुआ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आप मानव को भेटू कोरोना दूर हेबा परे मु बालासोर आसबी और आप मानव को भेटू वक्ता मन अच्छा छोटे गीत मु गाई दौ आप गीत मुक्त हो हरि करम अपना करेंगे हरि करम अपना करेंगे ऐ नबिन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ नबिन तेरे लिए और कोई भी कसम कोई भी वादा कुछ नहीं एक बस तेरी मोहब्बत से ज्यादा कुछ नहीं हम जिएंगे और मरेंगे ऐ नबिन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ नबिन तेरे लिए जागी उठो हे उत्कलवासी आज किंपा तो जाओ सही करिथिले आह्वान उत्कल के श्री विजु पट्टनायक सुनार देश जाए बुधुड़ी साफ हो बंधुगण से समय आपन को पुनर्वार आसी जाइछि जो बालेश्वर वासी रो मां भौणी माने आपन जो सुजोग हरैथिले आपन मान को भगवान आउ गोटे सुजोग देइछि से सुजोग को एबली भाव रे श्रृंखलित भाव रे आपन सजेबे जाकि आगामी दिन रे आपन प्रगतिशील राज्य को आउरी
ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସହାୟକ ହେବେ ଏବଂ ଏ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି ଯେ ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଗାମୀ 3 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଭୋଟ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଦେଇ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଋଣକୁ ଶୁଝିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଆଜି ଯୋଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଷଣ ଦେଲେ ବା ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି କଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପଞ୍ଚମଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆସନ୍ତା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ବହୁତ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ସାର୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଯେ ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଟିକେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କୋଭିଡ୍ର ରୁଲ୍ସ ମାନି ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବେ ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଆଜି ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିଜେପୁର ଭଳିଆ ବାଲେଶ୍ୱରର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ତାଠୁ ବଳ ଆଉ ଘୋଷଣା କ'ଣ